सिद्धार्थनगर जनपद में बाढ़ का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं शासन प्रशासन बाढ़ क्षेत्र का दौरा निरंतर कर रहे हैं। कांसी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जग प्रवेश NDRF टीम के साथ आज दर्जनों बाढ़ क्षेत्र गांव का नाव से दौरा किया है और ग्रामीणों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। मियां जोत मजवन कला गोठवा हड़हा सहित कई गाँव का दौरा किया। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक हम लोगों को बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिल पाई है और दवा के बिना हम लोग बहुत लाचार हैं। हम लोगों में दवा वितरण कराई जाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जग प्रवेश ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र के गांव का जायजा लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कुछ जगह बाढ़ राहत किट और दवा की जरूरत है। आज जैसा कि आपको पता है कि NDRF की टीम आई हुई थी तो एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई जिसके अंतर्गत यहाँ मियाँ जोत से हमने शुरुआत की और लगभग 5-6 गांव जैसे मियाँ जोत और डड़वा हो गया, मजवन कला हो गया, उसके बाद मऊ हड़हा, इस तरीके के 6-7 गांव थे, मेचुका मऊ, तो इन सब में देखा गया कि किस प्रकार की स्थिति है। चूँकि पानी का जो स्तर है नदी का, राप्ती नदी का, वो अपने खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर चल रहा है और जो आज तक की सबसे भीषणतम बाढ़ रही है जिसमें नदी का स्तर 85.880 रहा है, उससे भी लगभग 6 सेंटीमीटर ऊपर इस समय नदी बह रही है। तो हालात इस समय थोड़े से संगीन हैं। तो इसी का देखने के लिए कि क्या स्थिति है, आज दौरा किया गया जिसमें NDRF की टीम उपस्थित रही और ऐसे मार्गों को देखा गया कि जिससे अगर मान लीजिए इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है कि इवैक्यूएशन करना पड़े तो किस प्रकार किया जा सकता है। तो सर, कुछ गांव में अभी मतलब बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिल पाया, कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक दवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ नहीं दिया गया, तो इस पे क्या कार्रवाई जी? जैसा कि मिला है कि दवा कई जगह नहीं पहुंची है और राहत सामग्री भी जैसे आ रही है उसी तरीके से बंटवाया जा रहा है। तो जैसे गांव में भी 1-2 गांव में आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही जैसे राहत सामग्री प्राप्त होती है तत्काल वहाँ बंटवाई जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।